ये कनेक्शन है स्पाइरल मिक्सर का 25-40 थ्री फेज का। ये आर है एक फेज, वाई येलो एक फेज, और ये बी है ब्लू ये वाला, और ये न्यूट्रल है ब्लैक वाला। और उसके बाद ये अर्थिंग लगाना है अपने को। तो ये कनेक्शन हो गया इसका आर वाई बी न्यूट्रल प्लस अर्थिंग। उसके बाद ये मेन स्विच है, ये ऑफ पोजीशन में, इसको अभी हमने ऑन किया तो यहाँ पे तीन लाइट जल गए आर वाई बी ओके। और ये स्विच अभी मिडल में, मतलब ये ऑफ है। इस तरफ करेंगे तो ये मैनुअल में चलेगा, और इस तरफ करेंगे तो ये ऑटो में चलेगा। ये ऑटो का टाइमर है ओके। अभी हम मैनुअल में चलाते हैं। ये मैनुअल में डाल दिया, ये स्लो का है मैनुअल, ये फास्ट है। अभी ये स्लो में चल रहा है, हमने स्टॉप कर दिया है, अभी ये फास्ट में चल रहा है। फिर स्टॉप कर दिया है। ये इंचिंग का है बाउल, जो इंचिंग होता है उसकी वजह से इंचिंग करना है, तो अपने को ये गार्ड उठाना पड़ेगा ऊपर, और फिर ये इतनी इंचिंग कर सकते हैं। जितना टाइम प्रेस रखेंगे उतना टाइम बाउल चलेगा ये इंचिंग कर सकते हैं ठीक है। अभी हम इसको ऑटो में डालेंगे। ये ऑटो में आ गया, ये स्लो टाइम है ऑटो का, और ये फास्ट है। बढ़ाना है कितना मिनट अपन बढ़ा सकते हैं इसको, जो मिनट रहेगा। तो फिलहाल हम एक एक मिनट स्लो में, एक मिनट फास्ट में चलाएंगे। एक मिनट स्लो है, एक मिनट फास्ट है, और ये स्टार्ट का बटन है, इसको प्रेस करेंगे तो ऑटो में चालू हो जाएगा। अभी ये स्लो में चल रहा है ऑटो में। यहाँ में आपके को सिर्फ स्लो का टाइम और फास्ट का टाइम लगाना है, उसके बाद ऑटोमेटिकली चालू हो जाएगा। अब ये ब्लिंकिंग कर रहा है, मतलब ये एक मिनट होने के बाद ऑटोमेटिकली फास्ट हो जाएगा। ऑटोमेटिकली फास्ट स्पीड में चला गया है। और ये रनिंग में अगर इसको सेफ्टी गार्ड बोलते हैं, इसको अगर उठा लेंगे तो मशीन अपना बंद हो जाएगा। ये सेफ्टी पैरामीटर्स है ओके। और नीचे रखने के बाद, नीचे रखने में चालू नहीं होगा ऑटोमेटिकली, फिर अपने को स्टार्ट का बटन दबाना। ये वापस अभी शुरू से स्टार्ट हो गया। एक मिनट के बाद जो है रुक गया है। इसके बाद काम होने के बाद अपन इसको, ये अगर बाउल क्लीन करना है तो ये इंचिंग करके इसको क्लीन कर सकते हैं। ये डो निकालने के लिए भी इजी होगा, इससे जो मिक्सिंग हुआ है जो डो वो हम ऐसे इस तरह से निकाल सकते हैं ओके। और होने के बाद मशीन पूरा क्लीन कर दीजिए। ये बंद कैसे करना है, यहाँ से ऑफ करने के लिए ये ऑफ कर देना है, फिर बाद में ये ऑफ कर देना है ओके। और जो आपका MCB लगा होगा वो आपको बंद करके रखना है।